नमस्कार। डोगरी खबरें दे बुलेटिन तुंदा स्वागत है। मैं राजकुमार शर्मा ते सबने शा पहले खास खास खबरां। केंद्रीय वित्त मंत्री होरें अज लोकसभा च पेश कीता अगले बरे लई अंतरिम बजट। आमदन टैक्स की सीमा कीती गई 5 लाख, किसाने लई भी कई राहतें दा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री होरें आखिया इस बजट च सबने वर्गें दे खेत्रें दा रख्या गया ध्यान। जम्मू च भी व्यापक तौर पर बजट प्रस्तावें दा कीता गया स्वागत। ते ताजा बर्फबारी ते बरखा कारण जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क ट्रैफिक लई अज दूए ध्याड़े भी बंद। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अज लोकसभा च अगले बरे लई अंतरिम बजट प्रस्ताव पेश कीता। इस बजट च किसानें कर्मचारियों ते आम लोकें लई नेकां राहतें दी घोषणा कीती गई है। बजट पेश करदे होए श्री गोयल ने आखिया जे साडा लक्ष्य 2022 तोड़ी न्यू इंडिया बनाने दा है। जिहड़ियां खास रियायतां इस बजट च घोषित कीतियां गईआं ने उंदे च आमदन टैक्स की सीमा गी 2.5 लाख रुपए थवां वधाईए 5 लाख रुपए तोड़ी कर देना ते 2 हैक्टेयर तोड़ी दी जमीन दी मालकी वाले किसानें गी बरे दी 6,000 रुपए दी राहत हासिल करवाउणा शामिल है। तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स। इनफैक्ट विद एडिशनल डिडक्शंस सच एज इंटरेस्ट ऑन होम लोन अप टू 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन्स, नेशनल पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशंस, medical insurance, medical expenditure on senior citizens, with all of these other exemptions, deductions, persons having even higher income will not have to pay any tax. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उनके मंत्रिमंडल के नेका मंत्री ने अंतरिम बजट का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने आख्या जे इस बजट च हर वर्ग ते हर तबके दी आसें मेदें दा ध्यान रख्या गया है ते राष्ट्र की मजबूत बनाने च यह बजट बड़ा सहायक साबित होग। उन्हें भी आख्या जे अंतरिम बजट उस बजट की छड़ी एक झलक है जिहड़ा चुनाए परंत भारत की विकास की बत्ता पर अगे ले जाग। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह होरें इसी एक विकासशील ते विजनरी बजट करार दिता है। इसे चाली केंद्रीय व्यापार मंत्री सुरेश प्रभु, बिजली मंत्री आर के सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ते मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें भी अंतरिम बजट की जनहित आला बजट दसदे हुए इसकी सराहना की है। 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रिकॉर्ड गति से कम हो रही है। लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्त करके नियो मिडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। देश का ये बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गति देने में जुटा हुआ है। ऐसे समय में इस बढ़ते मिडिल क्लास की आशा आकांक्षाओं को कुछ कर दिखाने के जज्बे को हौसला मिले, उसको सपोर्ट मिले, इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं देश के मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास को इनकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ताई जम्मू च भी लोकें केंद्रीय अंतरिम बजट का व्यापक तौर पर स्वागत किया है। उद्योगपतियों ते कारोबारियों इस बजट की अर्थव्यवस्था की बेहतर बनाने लिए एक सार्थक कोशिश दसिया है। आम लोगों का गलाना है जे इस बजट सभी दी आसें मेदें का खास ध्यान रखा गया है। तो उसमें ऐसा कोई रिलीफ हमें दिख नहीं रहा है और खासकर जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है हमारी
उनके लिए भी कोई खास स्कीम्स इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की है, क्योंकि देखिए एमएसएमई के अंडर इंडस्ट्री भी आती है और ट्रेडर्स भी आते हैं, लेकिन रियासती जम्मू कश्मीर में एमएसएमई के अंडर जो भी बेनिफिट्स हैं वो ट्रेडर्स को आज तक पास नहीं हुए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को स्पेशल फोकस करना पड़ेगा रियासती जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की काफ़ी उपेक्षा है कि जितनियाँ भी बाकी कमी पेशियाँ रहती हैं वो आने वाले दिनों में वो सब्सिक्वेंटली इस बजट में कुछ ना कुछ और बड़ी चीज़ अनाउंस करेंगे जिसकी हमें अहम ज़रूरत है। आज के बजट में इनकम टैक्स का एग्जम्पशन जो बढ़ाया गवर्नमेंट ने वो बहुत बढ़िया मूव है। उसके बाद 36 आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी जो इंडस्ट्री के काम आती है उन पे कैपिटल गुड्स पे वो अबॉलिश किया, वो बहुत बढ़िया मूव है। और अपना अफोर्डेबल हाउसिंग में जो एक साल की एग्जम्पशन बढ़ाई है ताकि लोग हर आदमी को घर मिल सके, वो एक बहुत बढ़िया मूव है गवर्नमेंट का। जो अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र की जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं जो लेबर है उनके लिए आमतौर पर ये होता था कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के जो वर्कर हैं उनको रिटायरमेंट के बाद या जिस समय वो अक्षम हो जाते थे काम करने के लिए उनको देखभाल करने के लिए कोई भी ऐसा उनके पास कुछ होता नहीं था, 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन का इंतज़ाम किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बजट में वो आशा जो थी मध्यम वर्ग का वो मुझे लगता है कि पूरा हुआ है। 5 लाख तक और अगर डिडक्शन वगैरह जोड़ते हैं एग्जेम्पशन मिला के 6.5 लाख तक कोई भी आय जो आय करता है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इसमें मिडिल क्लास को भी एक अच्छा सिग्नल गया है, किसानों को बहुत अच्छा सिग्नल गया है। मोदी जी ने मुझे उज्ज्वला योजना के बारे में और 2 करोड़ कनेक्शन देने का वायदा किया है, ये सबसे अच्छा है, हम इससे बहुत ही खुश है। ये चुनाव से पहले का मोदी सरकार का सबसे अच्छा बजट है। भारत के हर तबका जो है, जिसको हम गरीब बोलते हैं, किसान बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं, लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, सब तो ये इसमें सब कुछ है। इसलिए तो सबसे बड़ी बात कि पहली बार जो इस बार जो डिफेंस के लिए पैसा रखा गया है वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा रखा गया है, तो ये भी पहली बार हुआ है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये जो बजट जो है ये किसानों की है, ये वर्किंग क्लास की है, ये मिडिल क्लास की है, ये डिफेंस के लिए है, ये कंटिन्यू डिफेंस के लिए है, और इससे पूरा जो समाज जो है, पूरा देश जो है वो इसे तरक्की। कश्मीर वादी की पुलवामा थारे पर सुरक्षा बलें ते आतंकवादियों बिचकार होए दे एक टाकरे च दऊं आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा सूत्रे दस्या जे पुलवामा के द्रबगाम राजपुरा इलाके च होए दे इस टाकरे च मारे गए दे आतंकवादियों का संबंध जैश ए मुहम्मद आतंकी संगठन कन्ने दस्या जा करदा है। टाकरे वाले थारे थमां एक SLR रफल ते एक पिस्तौल बरामद हुई है। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर रविंदर कुमार और आख्या जे आउंदे चुनाव च VVPAT मशीने का इस्तेमाल किया जाग। उन्हें आख्या जे इहदे कन्ने चुनाव प्रक्रिया च पारदर्शिता होग। DC और अज अपने दफ्तर च मिनी कॉन्फ्रेंस बोला रहे। इस दौरान उप जिला चुनाव अधिकारी सपना कोतवाल ते उन्दी टीम ने VVPAT मशीने दे काम करने दे तरीके बारे जानकारी दित्ती। इस मशीन राय वोटर की यह पता चली जाग जे उन्दा वोट केड़े उम्मीदवार की गया है। जो वोट अपना करेगा उसको पता लग जाएगा कि मैंने किस आदमी को वोट किया है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत बड़ा कदम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अब आने वाला जो इलेक्शन होंगे उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा, तो सभी को इसका बारे में जानकारी हो, इसके लिए आज हमने आप सबको बुलाया है और हम इसका ट्रेनिंग हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर इसका हम ट्रेनिंग करवाएंगे जिससे कि लोगों को इसका फायदा हो सके। जम्मू कश्मीर नैशनल पैंथर्स पार्टी के प्रदेश प्रधान ते साबका विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया हुंदे आसिया उधमपुर च एक रैली का आयोजन किया गया। नशाखोरी ते नशीले पदार्थों खिलाफ कढ़ी गई इस रैली च बख-बख सरकारी ते प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों सरपंचे पार्षदें ते मती गिनती च मुकामी लोगों हिस्सा लिया। रैली नगर के मिनी स्टेडियम थमां शुरू हुई ते नगर के मुख्य बाजार थमां हुंदे हुई डिप्टी कमिश्नर हुंदे दफ्तर पुज्जे संपन्न हुई। रैली का आयोजन जिले की गंदगी मुक्त, नशा मुक्त, पानी ते ट्रैफिक की समस्या थमां निजात दुआने के मकसद कन्ने कीता गया हा। इस मौके श्री मनकोटिया होरें DC रविंदर कुमार हुंदे कन्ने मुलाकात करिए उन्हेंगी इस संबंध च एक मंग पत्र भी सौंपिया। हमने पूरे उधमपुर में हर घर में जाके एक अभियान चलाया कि उधमपुर को कचरा मुक्त बनाया जाए, उधमपुर को ट्रैफिक फ्री जोन बनाया जाए और उधमपुर में ड्रग्स जो है ये माफिया जो काम कर रहा है और हर बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है उससे नौजवानों को बचाया जाए।
कठुआ च नैशनल सेहत मिशन तहत काम करा रहे कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन अज 18वें दिहाड़े भी जारी रहा। अपनी मंगे के समर्थन च यह कर्मी जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे दिन यह कर्मचारी विभाग च पक्का किए जाने ते एक काम लई इक्कै जनेही उजरत दिते जाने की मांग करा करदे न। छोटी सी सैलरी में इनका गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल है और हम यही गुजारिश करेंगे गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब की टीम से कि जो हमारी डिमांडें हैं उनको ध्यान में रखे हुए हमें जल्द से जल्द एक आश्वासन दिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो उन खबर मौसम दी, जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क पर नेकां थारे बरखा बर्फबारी ते पस्सियां पौने करी गड्डियां दी आओजाई अज दूए दिहाड़े भी बंद है। जवाहर टनल बनिहाल रामबन बटोत ते पत्नीटाप थारे ताज़ा बर्फबारी होने कारण नेकां मोटर गड्डियां थारे थारे फसी गईआं। सड़क पर बर्फ ते पस्सियां ढाने का काम जोरां कन्नै जारी है। हुण तापमान, मौसम विभाग की सूचना मुजब पिछले 24 घंटे दौरान जम्मू च बदोबद तापमान 11.6 डिग्री सैलसीयस ते घट्टो घट्ट तापमान 8.1 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। तहरीर च खास खास खबर एक बार परती है। केंद्रीय वित्त मंत्री होरें अज लोकसभा च पेश किया अगले बरे लई अंतरिम बजट। आमदन टैक्स की सीमा की गई 5 लाख, किसानों लई भी कई राहतें का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री होरें आखिया इस बजट च सबने वर्गें के खेतरें का रखा गया ध्यान। जम्मू च भी व्यापक तौर पर बजट प्रस्तावें का किया गया स्वागत। ताज़ा बर्फबारी ते बरखा कारण जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क ट्रैफिक लई अज दूए दिहाड़े भी बंद। दूगी खबरें अजे लई बस इन्ना गै आ गया दियो, नमस्कार।